हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द गियरलेस हरियाणा। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग वीडियो बनाते हैं या डेली व्लॉग बनाते हैं, तो उसके अंदर कुछ मतलब कि हल्की फुल्की हंसी मजाक वगैरह चलता रहता है। पर इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक जस्टिस वीडियो होने वाली है। पूरा जाखल मंडी और जाखल गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे शहर के अंदर कैंडल मार्च निकलेगा। और ये होने वाला है इसलिए क्योंकि लगभग एक साल पहले हमारे गांव के हमारे पड़ोस के दो नौजवान लोगों को ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था, जिस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसी के लिए यानी कि आज पूरे जाखल के अंदर यानी कि कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तो आज हम उसे कवर करेंगे। और आपसे भी निवेदन है कि आपके जान पहचान में या फिर कोई भी ऐसा प्रशासन का व्यक्ति हो, उस तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दी जाए, ताकि उन लोगों के ज़रिए या वो भी आगे कार्रवाई ये वीडियो शेयर कर कर प्रशासन के ऐसे लोगों तक पहुंचा सके, ऐसे मंत्रियों तक जो इस घटना के ऊपर यानी कि कार्रवाई कर सके और दोषियों को सज़ा दिला सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। हमारे पास वो जंतर नहीं है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी तैयार नहीं है, तब तो 100 करोड़ रुपया खर्च इनको विदेशों में भेजकर ऐसी शिक्षा दिला दो कि इन हथियारों को चंद सेकंडों में पकड़ा जाए। आपको लोग समाज में आज विचर रहे, चल रहे, घूम रहे हैं, ये उन लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारी पुलिस काम कर रही है। पुलिस को पता है लेकिन पुलिस नकारा हो गई है जानबूझ करके। ये नहीं है कि पुलिस को नहीं पता। तो इन बातों में ये सब सारी दुनिया, हम सब सारा समाज देख रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है, सीआईडी है, इंटेलिजेंस है, एमएलए एमपी है, और जो जिम्मेवार जो लोग बैठे हैं प्रशासन के अंदर, उनको शर्म नहीं आ रही है आज इस बात के लिए कि समाज के ऊपर आए दिन जिस तरीके से ये वारदातें बढ़ रही हैं। आप डीसी ऑफिस में बैठे हैं, एसपी ऑफिस में बैठे हैं, डीएसपी हैं, हम आपके लिए नहीं है, ये आपकी संवैधानिक जिम्मेवारी है हमारी सुरक्षा करना, लेकिन आप अपने मकसद में फेल हो चुके हो। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, जो भी मांग, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जितना समय बीत गया है, ये बहुत ज़्यादा टाइम है, ये टाइम हमको और नहीं देना चाहिए पुलिस प्रशासन को, इंटेलिजेंस को। दूसरी बात ये है कि इसका जल्दी से जल्दी इसका पटाक्षेप हो, और जो इसमें कसूरवार है, जो दोषी है, वो जल्दी से जल्दी
बिहाइंड की बात सुनने चाहिए, जो वो जल्दी से जल्दी उनको कानून के मुताबिक जो सजा बनती है। जो चौंकड़े में धरना दिता थी सानू कोई कारण नहीं सी, सानू दिल्ली बैठे पता लग्या कि पुलिस जबरदस्ती से उतरी है, तो डी एस पी भीम सिंह हुंदे थे उस टाइम भी चौंक च पहुँच के धरना चुकाने की वो कोशिश कर रहे ने। तो उस टाइम असी मैसेज पा के अपने साथियों कॉल करके किसान मजदूर चौंक से जोड़ा धरने की उत्थे साडे सारे साथियों भेजे, तो डी एस पी साहब को साफ कहा थी भी कोई भी यह जहाँ लाठीचार्ज का जां कोई भी तुसी जो भी कोई गलत सोची बैठो दिल च वो स्टैप ना चक लियो, क्योंकि कल तक कला जाखड़ चौंक नहीं पूरे पिंड के सड़कों चौंक जाम हो जाणिया ने। साडा पूरे किसान संगठनों का पूरे किसान मजदूर साथियों का यह परिवार वाला समर्थन है सहयोग है, तो मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े हाँ भी बीजेपी वाले जे जे पी वाले आम आदमी पार्टी वाले जां कांग्रेस वाले ये काम करवा लेंगे तो जगह जी की चोरी चार महीने पहला फड़ी जाती, तो होर भी कई काम ने जिवें मोटरसाइकिल चोरी होए ने जाखड़ चो, जिवें हुण भाई साढ़े साथी भी चुकाए थे एम एल ए दविंदर बबली ने तीन साथी रात नूं घर नूं लैके बड़े थे, एकता च ताकत है, पर जे जो हम आप एक ने बीजेपी कहता दूजे ने जे जे पी वाले कहता मैं आम आदमी पार्टी वाले कह गया मैंने कांग्रेस वाले कहता, इस तरह ना साडा संगठन कामयाब हो गए ना असी इंसाफ ले सकीए। 10 लाख मंदिर देता असी बल्ले बल्ले हो जाइए, साढ़े इतने धर्म स्थान देता गुरुद्वारे को 5 लाख देता जी बच्चा जहाँ है ये 5-5 लाखों असी ने जिमें भाई ने दसा साढ़े बच्चे नहीं मर मच चरियाम कहना जी मैं 5-5 लाख डी एस पी दिना पंजाब पुलिस को दिना, सारिया गल् सचिया ने कुछ नहीं झूठा है राजनीति ने बेड़ा गर्क करे। और नीचे पोस्टर भी लगा रखा है देखिए नीचे, ये रिपोर्ट है कोर्ट की, इसके अंदर पुलिस स्पेशल एक एसआईटी बनाती है, एसआईटी स्पेशल केसेस में लगाई जाती है जिसको बोल देते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसका मकसद होता है जल्द से जल्द इस मसले को सुलझाया जाए। अभी तक इस मसले के ऊपर पुलिस किसी भी अंजाम तक नहीं पहुंची है। दूसरी बात, एसआईटी बनने के बावजूद भी इसके अंदर आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि 1 साल पहले बच्चे के पास एक मोबाइल मिला था और वो चंडीगढ़ भेजा गया था उसे डाटा कलेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड कलेक्ट करने के लिए, ताकि उससे कुछ सुराग मिल सके, लेकिन वो अभी तक पुलिस के पास नहीं है। दूसरी बात, जो लापरवाही दिखती है सरकार की पुलिस की, दूसरी बात, बच्चे के चाचा जी परिवार के साथ एसपी के पास जाते हैं जो जिले का पुलिस का अधिकारी है, अभी हमें इंसाफ दिलाओ। पुलिस के पास जो एसपी है उसके ऑफिस के बाहर अपनी पुलिस गाड़ी खड़ी करते हैं और जब वो बातचीत करके बाहर आते हैं तो गाड़ी भी उड़ जाती है। तो ये हाल है जिसको पुलिस कह रहे हो, जिसको आप सरकार कह रहे हो, जिसको आप प्रशासन कह रहे हो, कहना उनका चीज दी है। उसके अलावा प्रशासन से भी होता है ये मामला ये जल्द ही कर देंगे हम, जल्द ही कर देंगे हम, जल्दी मिलते ही कर देंगे। तो क्या मानते हैं आप, 1 साल बीत जाने के बाद भी जब न्याय नहीं मिला है तो इस प्रकार से सड़कों पर निकलना पड़ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी मजबूरी है, हमारे परिवार की मजबूरी है, हमारे समाज की मजबूरी है। एक हफ्ते पहले मैंने सर्वसामाजिक मीटिंग करी सर्वसामाजिक संस्थाओं के साथ, ये निर्णय लिया, ये मेरा निर्णय सिर्फ मेरा नहीं पूरे समाज का निर्णय है, उस निर्णय के साथ आगे जो समाज ये कहेगा उम्मीद की बात करेंगे आगे बात करेगी। लेकर अभी हमारी सामाजिक तौर पर मीटिंग चल रही है, मीटिंग भी कमेटी भी बना सकते हैं और सब मिलके जो निर्णय लेंगे उसमें ही तय किया जाएगा कि आगे क्या जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आपको सड़कों पे आना पड़ा, 1 साल बीत चुका है और आपका किस परिवार से क्या संबंध है, क्या कहना चाहेंगे? मैं मनीष का पिता हूँ और न्याय के लिए सड़क पे आना पड़ा, पुलिस की तरफ से हमें कोई आश्वासन या कोई ऐसा कुछ नहीं मिला और इसलिए हमें मजबूर हो गया सड़क पे। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं हमें न्याय दिया जाए और उस न्याय के लिए हमने ये संघर्ष करना बचा है। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 साल बीत जाने के बाद हमारे साथ चल रहे हमारे परिवार के साथ, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे।
सहयोग दिया आपको? लगभग जाटों के और आसपास के सभी सामाजिक संस्थाओं ने हमारा सहयोग दिया है। मैं नाम नहीं लेता हूँ सबके। तो दोस्तों इंसाफ की लड़ाई में आप सभी से निवेदन है कि निकलो बाहर।